Hey guys, this is Noor and welcome back to my YouTube channel Overseas Career Consultant. Thank you very much दोस्तों जो लोगों ने मेरी चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया, जो फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स पे, मेल पे या व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा मैं जब भी कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आए दिन खालिज टाइम्स के थ्रू कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं दुबई ट्रेवल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड। तो आज के एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये आया दोस्तों खालिज टाइम्स में पब्लिश की न्यूज के मुताबिक कि GCC सिटीजन्स नाउ कैन इंटर इन दुबई विदाउट पासपोर्ट, ओनली फॉर एमिरेट्स आईडी और ओनली फॉर द नेशनल आईडीज दे कैन इंटर इन दुबई और एनी अदर GCC कंट्रीज। तो क्या न्यूज है पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियोस को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि GCC सिटीजन्स क्या होते हैं। दोस्तों GCC कम्युनिटी जो गल्फ कम्युनिटी है दोस्तों वो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, ये पांचों कंट्री मिला के एक GCC कम्युनिटी है, जो मिडिल ईस्ट का अरब कंट्रीज भी बोला जाता है। लेकिन GCC कंट्रीज में जो डिप्लोमेटिक रिश्ता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इस GCC कंट्री में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए पहले पासपोर्ट की जरूरत था। लेकिन अभी GCC जो कमिटी है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि विदाउट पासपोर्ट अभी कोई भी GCC मेंबर्स कोई एक दूसरे की GCC कंट्री में एंटर कर सकता है। लाइक अगर कोई सऊदी या कतर या ओमान या कुवैत का कोई भी सिटीजन अगर दुबई आना चाहते हैं तो उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो सारे लोग अपने देश का जो नेशनल आईडी होता है वही नेशनल आईडी कार्ड से दुबई आ सकते हैं, या फिर जो दुबई का सिटीजन है वो चाहे तो सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन कहीं पे भी जाए तो उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगा। अपना जो एमिरेट्स आईडी है उसी एमिरेट्स आईडी के थ्रू वो GCC दूसरे कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा एक अपडेट है दोस्तों, जो GCC मेंबर्स है, जो GCC सिटीजन्स है वो लोगों के लिए बहुत ही इजी हो गया ट्रैवल रूल। जैसे कि हम इंडियन लोग नेपाल या भूटान जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने नेशनल आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड के माध्यम से भी नेपाल या भूटान जा सकते हैं। वैसे ही अभी GCC कंट्रीज का जो मेंबर्स है वो एक दूसरे के देश में आ सकते हैं विदाउट पासपोर्ट। तो ये बहुत ही अच्छा एंड गुड अपडेट है दोस्तों GCC सिटीजन्स के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियोस में छोटा सा अपडेट्स आप लोगों को देना था। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे कोई वीडियोस में दूसरे कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।